हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं उठ चुका हूँ। तो अभी चलो, आज भी हमें जाना है दीदी के एग्जाम के लिए। तो आज हम जाएंगे, एक तो हम इस्कॉन टेंपल भी जाएंगे शायद से, और हम पैसिफिक मॉल भी जाएंगे। तो अब चलो पहले रेडी होते हैं। ये गाइस, मैं हो चुका हूँ, अभी नहा चुका हूँ। अभी मैंने घर के कपड़े पहन लिए क्योंकि अभी थोड़ी टाइम है जाने में। तो पहले हम बाद में पहनेंगे बाहर चले कपड़े। अभी सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी मैं ये लगा रहा हूँ लग, ताकि मैं कंप्यूटर चला सकूँ। ये देखो भाई, आज मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। देखा, ये है हमारा डेल का माउस, ठीक है। ये है, ये चिप है। अगर उन्होंने ये चिप निकाल दी तो हमारा नेट नहीं चलेगा कंप्यूटर में। वैसे तो मैं इथरनेट वाली वायर लगा सकता हूँ, पर कोई बात नहीं। ये है ब्लूटूथ के लिए, इसमें ना ब्लूटूथ है ना वाईफाई है। वाईफाई के लिए प्लग लगा रखा है, ये चिप लगा रखी है। वैसे तो ये एक USB था, पर इसके पीछे वाला ये निकल गया खींचने वाला। इस वजह से अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो हम नेट को चला नहीं पाएंगे कंप्यूटर में। लेकिन हम बस एक चीज़ से चला सकते हैं, जो कि है इथरनेट वायर। आपको पता होगी क्या होती है इथरनेट वायर, पीछे ये है कुछ। तो आप देख लेना। देखो गाइस, अभी मैंने यहाँ से ये हटाई थी ना, तो अब यहाँ से नेट जा चुका है। क्योंकि एक बार हम हटाएंगे तो सारे नेट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो यूज़ में कर रखा होगा। देखो यहाँ पे आ रहा है, जब नो इंटरनेट आ रहा है ना, इसको डिसकनेक्ट करेंगे तो नॉट ऑटोमेटिकली कनेक्ट। अरे क्लोज कर दिया, डिसकनेक्ट। जल्दी 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 हो जा, मेरे हो गएगा। क्यों नहीं हो रहा? तो गाइस, अब ब्रेकफास्ट में है आलू का पराठा और दही, तो चलो खाते हैं। तो गाइस, अभी अभी सूत्रों से पता लगा है कि हम जाएंगे 4 बजे। जी हाँ, तो हम 4 बजे जाएंगे। हम जाएंगे 4 बजे हम जाएंगे मंदिर, जब दीदी का पेपर शायद से हो चुका होगा शायद से। हाँ, तो हम जाएंगे 4 बजे। दीदी और पापा जी जा चुके हैं टेस्ट देने के लिए, और मम्मा जी जा चुकी हैं पार्लर, और मैं हूँ घर में अकेला। और अभी मैं करूँगा अपना आज का काम, तो चलो करते हैं। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं, और अभी आपको मेरी शक्ल थोड़ी सी काली दिख रही होगी क्योंकि धूप उस तरफ है, इसलिए धूप की वजह से आपको थोड़ी सी दिख रही होगी। तो अब चलो चलते हैं, पहले हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन, फिर उससे जाएंगे। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। ये देखो गाइस, यहाँ पे हम इस्कॉन टेम्पल के पास, और यहाँ पे है लोटस टेम्पल। ये होल है, मतलब कुछ भी नहीं। हाँ भाई, जब मैं ब्लॉगर नहीं था तब हम बहुत, तो मैं एक बार यहाँ पे आया था। यहाँ पे इसमें मैं आपको शक बताता हूँ, ये फेमस है बस इसके बाहर लुक के, अंदर से ये खोखला। जी हाँ, अंदर सिर्फ हॉल बना हुआ है ये, और कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। और मैं आपको याद हो, जब मैं ब्लॉगर बना था 26 अगस्त को, 27 को पहला ब्लॉग था, तब उससे पहले थोड़े टाइम पहले ट्रिकेट इंसान का एक मीटअप हुआ था, आपको याद होगा। अगर आप देखते होगे ट्रिकेट इंसान, उस पर भी मैं गया था। मैं उस पर गया था तब मैं ब्लॉगर नहीं था, काश में ब्लॉगर होता मैं आपको दिखा सकता, दिखा पाता। तो गाइस, वाइड एंगल में आप देख सकते हो इस्कॉन टेम्पल ऐसे दिखता है, देख लो, ठीक है। और अभी हम पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। पीछे दो दो पीछे एक ब्लॉगर है मेरे भी। आगे पापा जी चल रहे हैं, चलो पापा जी को डरा के आते हैं। यार पापा जी, मैं देख क्यों लिया है, बता के आते, मैं डराने आ रहा हूँ।
कि कैसे कृष्ण अर्जुन को इस दुख और दुविधा से बाहर निकाल बना है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज।